अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हैदराबादी मसालेदार कीमे की रेसिपी, जो कि बहुत ही मजेदार चटपटा सा बनता है, एकदम इजी वे में घर के सिंपल मसालों के साथ, और एकदम यूनिक सी रेसिपी है। आपको भी पसंद आएगी, हमारे घर में सबकी फेवरेट हो गई है, तो इंशाल्लाह ये इस रेसिपी को आप भी अपने घर में जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया बीफ का कीमा, आधा किलो के करीब है ये कीमा, और मोटा मोटा कुटवाया है, ज्यादा बारीक ना कुटे, और इसे अच्छे से धो लिया है, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले इसको मैरिनेट करेंगे। तो इसके अंदर मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। 1 चम्मच हम नमक शामिल करेंगे पाउडर मसालों में, आधा चम्मच हल्दी पाउडर शामिल कर दूंगी, 1 चम्मच के करीब पिसी हुई लाल मिर्च, तो अपने हिसाब से कम ज्यादा मिर्च कर सकते हैं, और 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर शामिल कर दूंगी। इसके अंदर मैंने दही शामिल करा है, तो गाढ़ा गाढ़ा दही ले लेंगे हम, तो ये क्वांटिटी के हिसाब से कम 100 ग्राम के करीब है, और 2 से 3 ये हरी मिर्च है जिन्हें रफली काट दिया है, थोड़े से हरा धनिया के पत्ते और थोड़ा सा पुदीने के पत्ते, फ्रेश पुदीने के पत्ते लिए हैं, उसको शामिल कर दूंगी। तो हैदराबादी डिशों में पुदीने का यूज ज्यादा होता है, और इन सारी चीजों को इसके साथ डालकर अच्छे से मिक्स दे दूंगी, और इसे मैरिनेट करके रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट रख सकते हैं, टाइम कम है तो आधा घंटा या 1 घंटा या डायरेक्ट ही पका सकते हैं। तो इसे कवर करके मैंने रख दिया है, तब तक हम और तैयारियां कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पाउडर ये खड़े गर्म मसाले थोड़े से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो आधा चम्मच के करीब काली मिर्च है, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग है, छोटा सा फूल जावित्री का फूल है, छोटी सी ये हमारी वो जायफल है, और 1 इंच अदरक दालचीनी का टुकड़ा, आधा चम्मच जीरा, 8 से 10 काजू हैं, और ये है 1 चम्मच के करीब गोला नारियल होता है उसका बुरादा, तो काजू की जगह आप खसखस भी ले सकते हैं। सबको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर दिया है, इस कलर में आ जाए तब हम ये सारा निकालेंगे इसमें से। तो एक कुकर में, और उसको ठंडा होकर उसे पीस लेंगे। एक कुकर में 2 बड़े चम्मच के करीब सरसों का ऑयल डाल देंगे, ऑयल जो आपको पसंद है वो डालें, उसे शामिल कर सकते हैं। तो 3 तेजपात के पत्ते डाल दिए हैं, और ये जो मेरीनेट करके हमने कीमा रखा था इसको डाल देंगे, ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है उसी में, और इसको डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसे कलर चेंज होने तक हम अच्छे से भूनेंगे। आप देख सकते हैं इसमें ऑयल भी छोड़ दिया है और अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 2 बड़े साइज की प्याज थी, मैंने उसको ब्राउन कर लिया था और इसको पीस लिया है, थोड़ा दरदरा सा ही पीस है मिक्सी में, और इसको इसके अंदर शामिल कर दूंगी। इसको भी डालकर मैं इसको चलाऊंगी 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून दूंगी। इसकी भुनाई होने के बाद वो जो हमने खड़े गर्म मसाले पीसे थे उनका जो दरदरा सा मैंने पाउडर बना लिया है उसको इस पॉइंट पे शामिल कर दूंगी। इसको भी डाल के थोड़ा सा हम भून देंगे, मिक्स कर देंगे एक अच्छा सा, और अब इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। तो पानी इतना शामिल करें कि हमारा ये जो बीफ का कीमा है ये अच्छे से गल जाए। आप इसे चाहे तो मटन में भी बना सकते हैं और चिकन के कीमे में भी। तो मैंने पानी इसके अंदर कम से कम आधा गिलास के करीब डाल दिया है। कुकर की लिड लगा के हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने के बाद 15 मिनट लो फ्लेम पे मैंने इसे कुक किया है। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और कुकर की सीटी खोली है, बहुत अच्छे से खुशबू आ रही थी, बहुत ही मजेदार बना था। अब इसको गार्निशिंग के लिए 1 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल करूंगी, और थोड़े से तेज पुदीने के पत्ते, और 4 से 5 हरी मिर्च, और थोड़े से हरा धनिया के पत्ते इसके अंदर शामिल करूंगी। तो इन सारे मसालों को डालने के बाद इसको एक अच्छे से मिक्स दे देंगे, और अब ये हमारा तैयार है रेडी टू सर्व। आप इसे मनपसंद रोटी के साथ, जिसके साथ भी पसंद करते हैं, खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना लबाबदार, कितना बढ़िया टेक्सचर आया है इसका। तो ये इसी तरीके से भुना भुना सा बनता है, आप भी इस तरीके से जरूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ये आपके घर में भी बहुत पसंद आएगा। जब ये कीमा बना था तो इतनी खुशबूदार खुशबू आ रही थी कि सब लोग पूछ रहे थे कि आज बना क्या है घर में। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, ट्राई करें तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और इस रमजान में आप इसे ट्राई करें, रमजान में सेहरी में ट्राई करें, इफ्तार में ट्राई करें, या फिर ईद आने वाली है तो आप ईद पे भी इसे बना के मेहमानों के आगे सर्व करें, मेहमान आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। मतलब नए तरीके का कीमा है, बहुत ही मजेदार और बहुत अच्छा टेस्ट फ्लेवर आता है इस रेसिपी का। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाए, और इस रेसिपी को अगर आप जब भी ट्राई करें तो अपना फीडबैक जरूर दें, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। तो एक और नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर रहूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें, दुआ में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खड़े मसाले के स्टू की रेसिपी, जो कि बनने में बहुत ही इजी है और खाने में एकदम लजीज बनता है, एकदम यूनिक स्टाइल है, टेस्ट इतना लाजवाब होगा, हर स्टू से अलग ही हटकर बनता है ये स्टू। और ये मजेदार सा स्टू की रेसिपी बिल्कुल इजी वे में मैंने आपके साथ शेयर करी है, और देख सकते हैं आपके इसका गोश्त भी कितना सॉफ्ट सा गला है। तो ये मजेदार सा स्टू मैंने किस तरीके से तैयार किया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले खड़े मसाले का स्टू बनाने के लिए हम कुछ खड़े गर्म मसाले ले लेते हैं, जैसे 8 से 10 साबुत लाल मिर्च बीच में से तोड़ के, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची बीच में से तोड़ के, 5 से 6 लौंग है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 4 हरी इलायची है, आधा चम्मच है सौंफ, 1 बड़ा चम्मच है साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा है, और 2 तेज पात ले लेंगे।
तो ये सारे खड़े गर्म मसाले सबसे पहले हमने निकाल लेने हैं और इसको शामिल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक कुकर ले लेंगे और उसके अंदर 2 बड़े चम्मच के करीब हमने सरसों का तेल ले लिया है। तो आप किसी भी ऑयल में शाम बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो सबसे पहले हम इस ऑयल को गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसके अंदर जो खड़े गर्म मसाले रखे थे हमने उसे क्रैकल कर लेना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज को लच्छों की शेप में काटा है, तो ये कम से कम मेरी 4 से 5 प्याज है बड़े साइज की, तो क्वांटिटी के हिसाब से कम ये 250 ग्राम के करीब प्याज होगी मेरी। उसको शामिल करके 1 से 2 मिनट तक मैं फ्राई करूंगी, बस लाइट पिंकिश होने तक। अब ये 1 बड़े साइज का लहसुन है और 2 इंच अदरक का टुकड़ा जिन्हें मैंने बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इन्हें क्रश करके भी शामिल कर सकते हैं। अब इन दोनों को भी डाल के 1 से 2 मिनट में तक भूनूंगी। उसके बाद मैंने ये 1/2 किलो के करीब गोश्त है इसे अच्छे से धो लिया था, तो ये बीफ का गोश्त है। आप चाहें तो इस रेसिपी को मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। तो गोश्त को डालने के बाद मैं इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी या गोश्त का कलर चेंज होने तक फ्राई करूंगी। तो आप देख सकते हैं ये फ्राई हो गया। अब इसके अंदर मैंने ये 2 बड़े साइज के प्याज सॉरी टमाटर हैं जिनको मैंने रफली काट लिया है, उसको भी डाल के मैं फ्राई करूंगी 1 से 2 मिनट। अब इसके अंदर मैं नमक शामिल करूंगी, तो 1 चम्मच के करीब नमक शामिल करूंगी और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। बस कलर के लिए हमने हल्दी पाउडर शामिल करना है। इन दोनों को भी डाल के अच्छे से मैं 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी। तो फ्लेम को हाई रखिएगा और हाई फ्लेम पे इसे भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से भून दिया है। अब क्या करूंगी, कुकर का लिड लगा के मैं इसको हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने के बाद इसको लो फ्लेम पे 15 मिनट तक कुक करूंगी। आप देख सकते हैं प्याज ने कितना पानी रिलीज करा है। ये पानी खुद का है क्योंकि हमने कोई पानी इसके अंदर शामिल नहीं करा है। तो आप इसको मैं हाई फ्लेम पे इसको पानी सूखने तक मैं भूनूंगी। तो मैंने ये क्या करा, गोश्त अच्छे से गल चुका है तो मैंने इसको दूसरे बर्तन में शामिल कर दिया है। तेज पात निकाल के हम एक साइड रख देंगे जिसका काम खत्म हो गया है। और फ्लेम को हाई रखिएगा और हाई फ्लेम पे हम इसको पानी सूखने तक अच्छे से भुनाई करेंगे। तो देखिए पानी सूख गया है, भुनाई अच्छे से हो गई है। इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्च है जिनको बीच में से 1/2 काट के बस हमने शामिल करना है। तो देख सकते हैं आप कितनी इजीली और इतनी जल्दी से हमारे ये खड़े मसालों का स्टू तैयार हो गया है और इतना मजेदार लजीज बना था। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप गर्मा गर्म सर्व करें अपनी मनपसंद रोटी के साथ। घर की रोटी हो या बाहर की या फिर तंदूरी, जो भी रोटी के साथ सर्व करेंगे बहुत ही मजेदार और टेस्टी लगने वाला है। तो ये मजेदार सा स्टू आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो एक और नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर रहूंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, दुआ में मुझे भी याद रखें। और जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक मुझे देना मत भूलिएगा। जरूर से दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी जो कि सिंपल से मसालों के साथ बनती है, जिसके अंदर ना तो दही का यूज है ना टमाटर का, लेकिन टेस्ट इतना लाजवाब होता है। सिंपल घर के मसाले यूज होते हैं और ये वैसे ट्रेडिशनल स्टाइल में सिलबट्टे पे पीस के बनाया जाता था, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी बिना सिलबट्टे पे पीसे हुए, इतना टेस्टी आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बहुत ही मजेदार रेसिपी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ खड़े गर्म मसाले ले लेते हैं, जैसे 4 हरी इलायची बीच में से चीर के, 1 बड़ी इलायची, 2 तेजपात, 4 से 5 लौंग है, 1/2 चम्मच के करीब है काली मिर्च और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। तो सरसों के ऑयल में बनाइएगा तो 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिया, उसे जैसे गर्म हो जाए उसके अंदर खड़े गर्म मसाले डाल देंगे। और उसके बाद मैंने ये 1 बड़े साइज की प्याज को रफली चॉप कर लिया था, उसको डाल के शामिल कर देंगे। तो लाइट को पिंकिश होने तक फ्राई करेंगे। आप चाहे तो कोई और सा ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में बनता है, ये ट्रेडिशनल खाना है तो इसी में इसका टेस्ट और जायका आता है। तो देखिए लाइट से पिंकिश हो गई है प्याज मेरी अच्छी से। अब इसके अंदर मैंने ये गोश्त शामिल कर दिया है, तो ये बीफ का गोश्त है, आप चाहे तो मटन में भी इसे बना सकते हैं। तो गोश्त को भी अच्छे से भूनूंगी मैं। अच्छा, गोश्त को लो फ्लेम पे हम भूनने के लिए रख देंगे। तब तक हम इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है धनिया, तो 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने साबुत धनिया लिया है, इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसको ड्राई रोस्ट इतना करना है कि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, बस इतना हल्का सा कलर चेंज होना है, ज्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे नहीं तो इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो ये देखिए एकदम अच्छी से खुशबू आने लगी है। मैंने इस पॉइंट पे सारी धनिया निकाल दी है एक प्लेट में और इसे मैं दरदरा सा ग्राइंड कर लूंगी। देखिए मिक्सी जार में मैंने डाला और इसे पीस लिया, तो अभी थोड़ा सा दरदरा सा है, फाइन नहीं पीसा है। तो इसमें कुछ और बेसिक मसाले जाएंगे, 1 चम्मच पीसी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी जाएगी, हल्दी ज्यादा नहीं जाएगी, 1 चम्मच नमक जाएगा, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर जाएगा और ये 1 मैंने पोटी लहसुन के लिए 1 गांठ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 मीडियम साइज की प्याज को भी मैंने ग्राइंड कर लूंगी। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी मैं और इनको एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है, ऐसा हो जाएगा। जो धनिया रह गई थी वो भी कम्प्लीट हो गई। अब हमने गोश्त को देख लेना है, तो गोश्त का देखिए कलर भी चेंज हो गया है और भुनाई भी अच्छे से हो गई है। इस प्लेट पे हमने ये सारा ही जो मसाला तैयार किया था ये शामिल कर देंगे और इसके साथ 1 से 2 मिनट तक हम अच्छे से भूनेंगे।
और भूनने के बाद जो हमने मिक्सी जार धोकर उसका पानी थोड़ा सा शामिल कर देंगे। तो थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद कुकर की लीड लगा देंगे और हाई फ्लेम पे एक सीटी आने के बाद 15 मिनट लो फ्लेम पे रख दूंगी, जिससे हमारा गोश्त अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए 15 मिनट हो गए हैं और हमारा ये काफी अच्छा सा गल चुका है। ऑयल भी देखिए आउट ऑफ सर्फेस हो गया है। अब गैस की फ्लेम को ऑन कर दूंगी और इसको हाई फ्लेम पे कुक करूंगी। इसका जितना पानी है सारा सुखा देना है और अच्छे से भुनाई करनी है। तो बोटी भी चेक कर लेते हैं कि हमारी बोटी कैसी गली है, कितनी गली है। ये देखिए ऐसे तोड़ने से टूट रही है, तो ठीक है, परफेक्ट है हमारी बोटी। अब इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है। तो ये लिक्विड ही बनता है तो पानी की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, तो अपने हिसाब से आप पानी डाल लें। तो मैंने पानी डाल दिया कम से कम 1 से 1.5 गिलास के करीब, और इसके अंदर थोड़े से हरा धनिया के पत्ते डाल दूंगी, क्योंकि धनिया का टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस सालन के अंदर। और इसको डालने के बाद मैं इसके अंदर 3 से 4 हरी मिर्च लूंगी, बीच में से चीरा लगा के उसको शामिल कर दूंगी। अब कुकर की लीड लगाऊंगी, 1 सीटी आने तक बस इसे कुक करना है। 1 सीटी आ गई है और ये देखिए हमारा बहुत मजेदार सा धनिया वाला गोश्त का सालन तैयार हो गया है। बहुत मजेदार लगता है, चटपटा सा। तो आप एक बार इसे ट्राई करेंगे जब आपको पता चलेगा कि कितना टेस्टी है, और आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे और आपको भी टेस्ट इसका पसंद आने वाला है। अब आप इसे किसी भी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मजेदार लगता है। ये तंदूरी रोटी के साथ भी और घर की सिंपल सादी रोटी और चावलों से भी बहुत मजेदार लगता है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। और अपना जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे देना मत भूलिएगा। और एक और नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, गाँव में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मजेदार से, एकदम अलग तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से, बिल्कुल न्यू रेसिपी है अरबी गोश्त की। शायद इस तरीके से आप लोगों ने कभी ट्राई करा होगा, और बहुत ही मजेदार सा बनता है। इसका जो शोरबा होता है इतना जायकेदार बनेगा कि यकीन मानिए कि ये बहुत ही टेस्टी लगा था बच्चों को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कुकर लिया है, उसे गैस की फ्लेम पे चढ़ा दिया है। उसके अंदर 2 बड़े चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल दिया है। तो आप जो भी तेल पसंद करते हैं उसमें आप बना सकते हैं। तो ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए इसके अंदर 1 बड़े चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी, और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भूनेंगे हम 1 से 2 मिनट तक, जब तक कि इसकी रॉ स्मेल निकल ना जाए। और जैसे इसका कच्चापन निकल जाता है तो ऑयल देख सकते हैं आप आउट ऑफ सरफेस हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर 600 ग्राम के करीब ये बीफ का गोश्त है इसको शामिल कर दूंगी। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ जब ये भूनता है ना तो बहुत ही अच्छा और टेस्ट इतना इनहेंस हो जाता है। तो इसको कलर चेंज होने तक भूनेंगे हम। देखिए कलर चेंज हो गया है। अब इस पॉइंट पे कुछ खड़े गर्म मसाले हैं, ज्यादा मसाले नहीं है, बस दालचीनी 1 इंच और 1 बड़ी इलायची है, 3 से 4 लौंग है। इनको डालने के बाद इसके साथ अच्छे से भूनेंगे। अब इसके अंदर पाउडर मसाले जाएंगे, 1 चम्मच पीसी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर शामिल करेंगे। बस यही पाउडर मसाले डालेंगे। इसके बाद हम इसके भी नमक डाल देंगे 1 चम्मच के करीब। इसको इन सारे इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद अच्छे से भुनाई करेंगे हम इसे भी 1 से 2 मिनट तक। इनका भी जो कच्चापन होता है ना, रॉ स्मेल, वो निकल जानी चाहिए। अच्छा मसाले जले नहीं, इसलिए थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूंगी। पानी शामिल करने के बाद इसे हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, जब तक कि हमारे जो पानी सूख ना जाए और ये अच्छे से खुशबू आने लगे। ये देखिए ऑयल भी आउट ऑफ सरफेस हो गया, अच्छे से भुनाई हो गई है। अब इसके अंदर 2 बड़े चम्मच के करीब मैं दही शामिल करूंगी। अब दही शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि दही भी अपना पानी रिलीज करती है। जो पानी उसका होगा उसको भी हमें अच्छे से भूनना है, ताकि अच्छे से भुनाई हो जाए हमारे गोश्त की भी और जो सारे मसाले हैं उन सब की भी। तो ये देखिए ये अच्छे से भून गया दही भी, पानी छोड़ दिया, तेल छोड़ दिया। अब मैंने ये 2 बड़े साइज की प्याज को ब्राउन कर लिया था, मतलब बरिस्ता बना के रख रखा है, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया मिक्सी जार में। थोड़ा सा पानी डाल के हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसी पॉइंट पे हम इसे शामिल कर देंगे और अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी भी 1 से 2 मिनट तक। अब इसके अंदर जो हमने मिक्सी में पीसा था उसी में डाल के हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी इतना शामिल करें कि हमें गोश्त गल जाए हमारा, और हम जो ये सीटी लगाएंगे उसमें इतना काम पानी हमारा मतलब चला जाना चाहिए। तो मैंने कम से कम क्वांटिटी के हिसाब से ये 1/2 गिलास के करीब पानी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसके कुकर की लीड लगा के हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने के बाद इसको मैं लो फ्लेम पे पकने दूंगी कम से कम 15 से 20 मिनट तक, क्योंकि ये बीफ का गोश्त है तो टाइम लगता है गलने में। आप इसे चाहे तो मटन भी बना सकते हैं और चिकन भी बना सकते हैं इसी तरीके से। तो देखिए मेरे ये 15 मिनट हो चुके हैं। अब कुकर की लीड खोलनी है और हमने गैस का फ्लेम ऑन कर देना है। तो गैस का फ्लेम ऑन कर दिया, एकदम हाई फ्लेम पे जो भी पानी होगा वो हमें सुखाना है। अच्छे से भुनाई करेंगे, ये देखिए जितना भी पानी बचा है। अब इसको देखिए भून लिया है हमने अच्छे से, ऑयल भी आउट ऑफ सरफेस हो गया है। ये 1/2 किलो के करीब अरबी है मेरी, अच्छे से धो लिया था, छील लिया था और इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। तो मैंने गोल गोल पीस में काटे हैं, आप चाहें तो लंबे में काटे जैसे आपको पसंद हो। तो बोटी चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है, 90% तक कुक है हमारा। तो अब हम जो गैस की सीटी मतलब 1 सीटी लगाएंगे उसमें हमारा पूरा 100% कुक हो जाएगा। अब इसकी भुनाई हमने कर ली है, 2 से 3 मिनट अरबी को डाल के भूनेंगे और उसके बाद पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। तो पानी जितना आपको पसंद है उतना शामिल करें। और नमक चेक कर लें इस पॉइंट पे, तो मेरा नमक थोड़ा सा कम था, मैंने 1 चम्मच नमक और शामिल कर दिया है। अब हम इसके अंदर पानी थोड़ा कम लगा और डाल दिया मैंने, और कुकर की लीड लगा के मैं इसको हाई फ्लेम पे 1 से 2 सीटी आने तक बस कुक करना है, क्योंकि हमारे को अरबी गलानी है और जो थोड़े से कसर लगे गोश्त में वो कम्प्लीट हो जाएगी।
तो ये देखिए दो सीटी आने के बाद मैंने कुकर की लीड खोली है, खुद ही रिलीज होनी चाहिए जो इसकी विसल है, हमें कुकर बीच में नहीं खोले, नहीं तो क्या होता है हमारा जो ऑयल है ना वो उड़ जाता है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं हरा धनिया डाल के गार्निश करूंगी, ये देखिए और कितना खुशबूदार और जायकेदार बना था, ये बहुत ही मजेदार शोरबा था। तो एक बार इस रेसिपी को लाजमन ट्राई करिएगा, और ट्राई करें तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने कभी ट्राई करा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। तो ये देखिए गोश्त में आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट सा गला है, इतना मजेदार, और इसका सालन तो एकदम जायकेदार था, इतना टेस्टी, अलग एकदम ऑथेंटिक था, एकदम न्यू स्टाइल में। तो इस रमजान में आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ट्राई करें तो अपना फीडबैक दें। तो अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, और दुआ में मुझे भी याद रखें। एक और नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने फिर आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन सुक्का की रेसिपी, जो कि बहुत मजेदार चटपटा सा बनता है घर के सिंपल मसालों के साथ। अगर आप ग्रेवी वाले चिकन खा खा के बोर हो गए हैं तो आप इस ईद पर इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। ये दुबई और केरला की बहुत फेमस रेसिपी है, बहुत मजेदार बनती है, एकदम चटपटी चटकारेदार, और इतनी इजी तरीके से बहुत ही टेस्टी लगेगी आप लोगों को। तो इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले हमने इसके लिए चिकन लिया है, चिकन लिया कम से कम 400 ग्राम के करीब, और इसके जो बड़े बड़े पीसेस थे इस तरीके से छुरी से हमने कट लगा लिया है। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा नींबू का रस यानी 1 चम्मच के करीब होगा नींबू का रस, और 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे, और आधा ही चम्मच इसके अंदर हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। तो ये इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा, टाइम कम है तो आप इसे फौरन भी बना सकते हैं, या आधा घंटा 20 मिनट रेस्ट के लिए रख सकते हैं। तो अच्छी तरह मैरिनेट करके हम इसे रख देंगे एक तरफ रेस्ट करने के लिए। अब हम दूसरी तरफ कुछ मसाले हैं इसके, जो खुशबू मसाले तैयार कर लेते हैं। तो एक आधा चम्मच है काली मिर्च, 1 है जावित्री का फूल, 4 लौंग है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा, और 2 तेजपात के पत्ते। तो सबसे पहले ये जो खुशबू मसाला है इसको डालकर हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और एक अच्छी सी खुशबू आने तक इसे रोस्ट करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम रखिएगा, हाई मत करिएगा, नहीं तो ये मसाले हमारे एकदम से जल जाएंगे जिससे कि टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो ये मसाले डालने बहुत जरूरी होते हैं, इससे ही टेस्ट फ्लेवर इनहेंस हो के आता है इसका। तो देखिए अच्छे से खुशबू आने लगी, मैंने इसको निकाल लिया एक प्लेट में, और ठंडा करने के बाद इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया। अब इसके अंदर हम 1 से 1.5 चम्मच मिर्च शामिल करेंगे, आप चाहे तो कश्मीरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, या फिर आप जो नॉर्मल मिर्च खाते हैं उसे शामिल कर दें, तो अपने हिसाब से मिर्च कम ज्यादा डाल सकते हैं। तो इन सबको मसाले को मिला के एक साइड रख दिया है। अब सेम पैन में 1.5 चम्मच के करीब मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया, और इसके अंदर 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 पोटली लहसुन की क्रश करके डालना है, आप चाहे तो चॉप करके डाल सकते हैं बारीक चॉप करके, तो मैंने क्रश करके डाला है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है, और ताजा ही करें, रखा हुआ ना करें। तो जैसे ही इनकी खुशबू और रॉ स्मेल निकल जाए और थोड़ी सी भुनाई हो जाए, तब इसके अंदर एक बड़ी साइज की प्याज को बारीक चॉप करके इसको शामिल करेंगे। तो प्याज और अदरक लहसुन के साथ अच्छे से भुनाई करेंगे, फ्लेम को मीडियम रखिएगा, और अच्छे से भुनाई करेंगे कलर चेंज होने तक, जब हमारी प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए, लाइट पिंकिश हो जाए इस तरीके से, तब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। तो ये 3 मीडियम साइज के टमाटर थे, इनको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया, एकदम बारीक चॉप कर लें, तो इसको भी शामिल करेंगे। हर चीज चॉप होगी, क्रंच आना चाहिए, मतलब इस चीज का मतलब खड़ा खड़ा थोड़ा सा दिखना चाहिए। तो टमाटर डालते ही हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, तो 1/2 चम्मच के करीब नमक शामिल करेंगे, नमक हमने चिकन में भी शामिल करा है तो ध्यान से डालें, नहीं तो नमक तेज हो जाएगा। अब इसे कवर करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट से हो जाए। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं और टमाटर भी काफी सॉफ्ट हो गए हैं, कुछ पीसेस रहते हैं तो उन्हें इस तरीके से स्पेशल मदद से हम इसे क्रश कर देंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे वो जो चिकन मैरिनेट किया था उसको शामिल कर देंगे इस पॉइंट पे, और एक अच्छा सा मिक्स देंगे, 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे इन्हें, और इसको भी मैं फिर कवर करके रखूंगी। तो इसको अच्छे से भूनने के बाद, मिक्स करने के बाद, इसके अंदर कुछ और मसाले डालेंगे हम, जैसे कि इसके अंदर मैंने 1 कटोरे करीब हमने दही शामिल करनी है। दही की क्वांटिटी है हमारी कम से कम 100 ग्राम के आसपास, तो 100 ग्राम मैंने दही शामिल करी है, और जो पाउडर मसाला तैयार किया था उसको शामिल कर देंगे इस पॉइंट पे। अब इन सारे को अच्छे से मिक्स देंगे एक अच्छा सा, और 1 चम्मच के करीब हमने धनिया पाउडर शामिल करा है। तो पहले धनिया पाउडर को शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे से भूनेंगे, और खूब अच्छे से भुनाई हो जाएगी, ये जो दही है हमारी अच्छे से हमारी मिक्स हो जानी चाहिए, देखिए हो गई है। अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी एकदम लो फ्लेम पे, रख देंगे 15 से 20 मिनट तक, ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए, टेंडर हो जाए, ये देखिए। और ऑयल भी देखिए आउट ऑफ सर्विस हो गया है, मैंने 15 मिनट तक इसे बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, छुआ नहीं, और काफी अच्छी भुनाई हो गई है, और चिकन भी काफी अच्छे से गल गया है। तो ये 2 छोटी प्याज थी, प्याज की मिर्च थी, उसको मैंने बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब भुनाई हो चुकी है, हमारा तैयार हो चुका है, अब बस इसके अंदर गार्निशिंग के लिए सामान डालने हैं। तो मैंने कुछ से 8 से 10 इसके अंदर करी पत्ते शामिल करूंगी, क्योंकि ये केरल की डिश है तो उसमें करी पत्ते का यूज ज्यादा होता है, उससे ही टेस्ट एकदम बहुत ही मजेदार और फ्लेवरफुल हो जाता है ये जो हमारा चिकन सुक्का है।
तो 8 से 10 ही करी पत्ते हैं, तो आप चाहे तो फ्रेश भी डाल सकते हैं, मेरे पास ये मैंने सुखा के रख रखे हैं तो मैंने उनको ही शामिल करा है। इनको भी डालकर अच्छे से मिक्स दूंगी, और थोड़ा सा हरा धनिया के फ्रेश पत्ते हैं उनको भी मैं इसके अंदर शामिल करूंगी गार्निशिंग के लिए, क्योंकि रेडी टू सर्व है अब हमारा ये, खाने के लिए तैयार है। आप इसको चाहें तो पराठों के साथ, गर्मा गर्म रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, या फिर ये बन पराठा होता है उसके साथ बहुत ही मजेदार चटपटा सा चटकारेदार बनता है। तो ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी, अगर आप अपने घर में बनाएंगे इतना खुशबूदार बनेगा, उतना जायकेदार बनेगा, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। अगर आप इस रेसिपी को ईद पर ट्राई करें तो अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। अब मैं आपको इसे सर्व करने का तरीका बताती हूँ, सर्व करके दिखाती हूँ। इसको सलाद के साथ थोड़ा सर्व करें और नींबू लें और इस तरीके से बोटियों पर निचोड़ के और आप खाएं। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सी बोटी गली है, एकदम इजीली आपकी बोटी टूट जा रही है। इस तरीके से आप इसे खाएंगे बहुत ही मजेदार लगेगा। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। एक और नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर स्पेशल कीमा और मेथी की रेसिपी, जो बहुत ही मजेदार बनता है हमारे घर में। सर्दियों के दिनों में ये कीमा मेथी अक्सर बनता था लाजिमन, क्योंकि मेथी खाना अक्सर बच्चों को पसंद नहीं आता, तो इस तरीके से हमारी मम्मी हमें मेथी और कीमा बना के देती थी, तो बहुत मजेदार लगता था। आपको मैं अपने घर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो एक कुकर में मैंने सरसों का ऑयल लिया, आप चाहे तो इसे देसी घी में बना सकते हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने सरसों का ऑयल शामिल कर दिया है और इसके अंदर 2 तेजपात डाल दूंगी, 2 तेजपात डाल के इसको क्रैकल होने रख दूंगी। ये देखिए, जैसे ही तेजपात क्रैकल हो जाते हैं, इसमें हमने एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक चॉप करके उसे शामिल कर दिया है। तो प्याज का कच्चापन निकलने तक और इसका सॉफ्ट होने तक हमें भूनना है, ज्यादा कलर नहीं करना, ज्यादा ब्राउन नहीं करना, पर हल्के लाइट पिंकिश कलर करना है। तो इस तरीके से देखिए, जब प्याज इस तरीके से हो जाए तो अब इसके अंदर हमने डालना है 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल करने के बाद इसे अच्छे से भूनना है। इसकी भुनाई काफी काम करती है, योगदान रहती है। आप मतलब जो भी खाना बनाए तो भुनाई अच्छे से किया करें खाने की। तो ये देखिए, भुनाई अच्छे से हो चुकी है, ऑयल भी सरफेस पे आ चुका है। इसमें 3 हरी मिर्च मैंने शामिल कर दी है और इसे अच्छे से भुना है हरी मिर्च डाल के। ये कम से कम 300 ग्राम के करीब बीफ का गोश्त है, मेरा कीमा है सॉरी। तो इसको मोटा मोटा कुटवाया मैंने, मशीन वाला नहीं है, आप चाहे तो मशीन वाला भी डाल सकते हैं। तो मुझे मोटा मोटा चाहिए था इसलिए हाथ का कुटा कीमा है ये, आप चाहे तो इसे मटन में भी बना सकते हैं। इसे अच्छे से भूनेंगे कीमे को, जब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इस तरीके से ये व्हाइट व्हाइट हो जाना चाहिए, जैसे ये आपको दिख रहा है, तो इस तरीके से हो जाना चाहिए। अब इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे, जैसे 1 चम्मच नमक शामिल कर दिया है, 1 चम्मच पीसी लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया इसके अंदर, और 2 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर दूंगी। अब इन सारे मसालों को अच्छे से भूनेंगे हम, थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भुनाई करेंगे। तो ऑयल सरफेस पे आने तक अच्छे से भुनाई करनी है, ताकि इसका स्मेल जो है मसालों का वो खत्म हो जाए, उसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो अगर चैनल पे आप लोग नए हैं और सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ऑयल देख सकते हैं आप सरफेस पे आ चुका है, बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है। तो अब इसके अंदर मैं कम से कम 2 बड़े चम्मच के करीब पानी शामिल करूंगी। तो क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो पानी की मात्रा होगी कम से कम 100 ml, तो 100 ml या 1 कप के करीब उसको डाल के मैं इसको भूनूंगी। और कुकर की लीड लगा के हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने के बाद लो फ्लेम पे 15 मिनट तक पकाना है। तो आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं और ये काफी अच्छा से भून चुका है कीमा मेरा और गल भी चुका है। तो इसको जो थोड़ी सी कसर बाकी है उसको भी मैं थोड़ा सा भून लूंगी, गैस की फ्लेम ऑन कर दी है। ये देखिए कितना दानेदार सा मसाला तैयार हुआ है मेरा। ये मेरी मेथी है, मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है पत्तों को, तो ये कम से कम 400 ग्राम के करीब मेरी मेथी है। अब इसको भी मैं इस कीमे के साथ थोड़ा सा भूनूंगी, कम से कम 1 से 2 मिनट के तक इसको भूनना है अच्छे से। मैंने बताया कि मतलब किसी भी खाने का स्वाद बढ़ाने में भुनाई बहुत मतलब अहम रोल अदा करती है, तो इसलिए अच्छे से भुनाई करें। कोई भी खाना बनाए दिल से बनाए तो वो टेस्टी ही बनता है इंशाल्लाह। तो अब ये भुनाई हो चुकी है अच्छे से, अब इसके अंदर मैं 1 बड़ा चम्मच के करीब पानी शामिल करूंगी, क्योंकि कीमा ऑलरेडी गल चुका है, बस मेथी को थोड़ा सा पकाना बाकी है। तो आप कुकर की लीड लगा दूंगी मैं, कुकर की लीड लगा के इसको हाई फ्लेम पे बस 1 सीटी आने तक हमने पकाना है। तो 1 सीटी हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ही खुशबूदार ये कीमा हमारा तैयार हो गया था, मेथी कीमा बहुत ही मजेदार। तो वीडियो अगर पसंद आई है, रेसिपी अगर पसंद आई है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर इस रेसिपी को आप अपने घर में ट्राई कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके लाजिमन बताइएगा। तो एक बोटी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत ही आसानी से टूट रहा है, बहुत ही बढ़िया गल गया है, इतना मजेदार जायकेदार बना था ये, यकीन मानिए एक बार ट्राई करेंगे जब आपको यकीन आएगा। तो आप प्लेटिंग कर लेते हैं इसकी, कीमा और मेथी की, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया। और इसे गर्मा गर्म ही सर्व करें, गर्मा गर्म खाएं, तो सर्दियों में
मजा दुगना हो जाता है, बहुत ही मजेदार और लजीज बनती है। जो बच्चा मेथी नहीं खाना पसंद करता, नहीं खाता, तो आप इस तरीके से कीमे में डाल के उसको मेथी सर्व करें, इंशाल्लाह वो खाएगा। और इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल के खाएं तो चार चांद लग जाते हैं, क्या ही बात है। फिर आप इस रोटी इसको गर्मा गर्म घर की रोटी के साथ या बाहर की रोटी के साथ, जिस रोटी के साथ भी खाएं तो बहुत ही मजेदार लगने वाली रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप इन सर्दियों में जरूर ट्राई करिए, और ट्राई करें तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो एक और नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने फिर आऊंगी, तब तक आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, दुआ में मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज।